जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका निरंजन आयंगर एके गॉड्स डीमन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वन मोर टाइम गाइस। तो आज आई एम हियर विद द पार्ट टू अपडेट ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट गाइस, जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। तो अभी पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही सवाल उठा है, देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन, वन बिग क्वेश्चन अराइजिंग इन इंडिया दैट हु एग्जैक्टली वुड हैव कॉस्ट दिस एक्सीडेंट। यू हर्ड इट राइट गाइस। तो पहले तो यह चर्चा किया जा रहा था कि इट माइट बी अ ट्रैक एरर और अ ट्रैक्शन एरर, बट नाउ दे आर प्लानिंग टू फिट अ सीबीआई इंक्वायरी बिकॉज दे आर डाउटिंग दैट इट कैन बी अ मैन मेड थिंग, अ साबोटाज। साबोटाज, SABOTAGE, साबोटाज का मतलब यह है कि अ बिग एक्ट मेड बाय ह्यूमन विच कैन कॉज लॉस ऑफ मेनी लाइफ, मतलब बहुत सारी जानें जब जाती हैं उसको कहते हैं साबोटाज। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स कि दिस माइट बी अ साबोटाज, मतलब कोई एक सोची समझी साजिश हो सकती है और एक इंसान का हाथ है इसके पीछे। तो इवन रेलवे मिनिस्टर हैज क्लियरली डिनाइड द फैक्ट दैट इट कांट बी अ टेक्निकल एरर। तो रेलवे मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ये टेक्निकल एरर नहीं है, तो यहां पे देर इज सम मैन हैंडल्ड थिंग विच नीड्स टू बी फाउंड आउट, सो आई विल सपोर्ट दिस सीबीआई इंक्वायरी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग गाइस। तो और इस स्टोरी का तहकीकात में जाने के लिए जब मैंने देखा तो अ डिफरेंट स्टोरी इज अराइजिंग हियर। नाउ पिछले व्लॉग में मैंने आपसे क्या कहा था, कोरोमंडल एक्सप्रेस आके स्ट्राइक करता है गुड्स ट्रेन को, फिर वो डीरेल हो जाती है, उसके बाद 4 घंटे बाद हावड़ा एक्सप्रेस आके क्रैश करता है। बट हियर अ डिफरेंट स्टोरी इज अराइजिंग नाउ, दे आर सेइंग कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड हावड़ा एक्सप्रेस केम एट द सेम टाइम। ये क्या सस्पेंस है बीसी, यू हर्ड इट राइट गाइस। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सिंस कोरोमंडल एक्सप्रेस इज अ स्ट्रेट ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेट ट्रेन, इट डिंट हैव अ स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर जंक्शन, इट वॉज पासिंग थ्रू दैट बाजार स्टेशन ऑफ ओडिशा एंड इट डिंट हैव अ स्टॉप, तो वो फुल स्पीड में जा रहा था, इट वॉज लाइक अप्रोक्सीमेटली अबाउट 138 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फुल स्पीड में उस स्ट्रेट जा रहा था। एंड एज यू ऑल नो और इफ यू डोंट नो, ट्रैक्स में एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम इज ऑटोमेटेड, मतलब पहले सब अपने पुराने मूवीज में सब देखा होगा, देयर विल बी अ पर्सन टू पुल द ट्रैक्शन एंड चेंज द इंटरलॉकिंग, मतलब एक स्ट्रेट ट्रेन को डिविएशन करने के लिए, ठीक है। बट अभी ऐसा सिस्टम है, इट हैज बीन मेड ऑटोमेटिक, मतलब इट्स अ रोबोटिक सिस्टम, ठीक है, और उस पर्टिकुलर स्टेशन में इट वॉज अ रोबोटिक सिस्टम विच विल ऑटोमेटिकली डाइवर्ट द ट्रेन और कीप द ट्रेन स्ट्रेट। बट कोरोमंडल एक्सप्रेस को डाइवर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि कोरोमंडल इज अ स्ट्रेट ट्रेन एंड द ऑटोमेटिक सिस्टम वॉज इन स्ट्रेट कंडीशन ओनली एंड द गुड्स ट्रेन वॉज समवेयर स्टैंडिंग बिसाइड, मतलब गुड्स ट्रेन बाजू में खड़ा था। बट अगर रेलवे मिनिस्टर के अकॉर्डिंग द ऑटोमेटिक सिस्टम डिंट चेंज द कोरोमंडल डायरेक्शन दिस साइड, then they are doubting now a man would have forcefully done it, he would have meddled with the automatic system or he would have hacked into it or he would have gone personally there and meddled with it so that the straight going Coromandel Express has gone sideways and hit the goods train. So this is the latest news in front. और ऐसा कहा जा रहा है कि Coromandel Express जैसे ही goods train के ऊपर से crash करके derail हो रहा था, ठीक है, By the time it was derailing, the Howrah Express engine has passed from the other track, मतलब बाजू के ट्रैक से Howrah Express का इंजन पास हो जाता है और Coromandel Express जैसे derail होके इनका कंपार्टमेंट जैसे ही बाजू में जाके गिरते हैं, तो गिरते वक्त वो Howrah Express के कुछ लास्ट बोगीज पे जाके गिरता है एंड द Howrah Express इज derailed too. So this is the news what is coming. तो जैसे मैंने कल बताया था, मतलब 2 दिन पहले, that was a different news and now they are viewing and telling a different news that both the trains came simultaneously और इस automatic interlocking को किसी इंसान ने divert कर दिया और उसी वजह से Coromandel Express का accident हुआ और at the same time Howrah Express का engine और कुछ bogies pass हो गए पर इसके बाकी के bogies ने जाके उधर भी disruption cause किया and both the trains fell into an accident. So this is the latest report guys और this is the serious inquiries going on according to PM Modi and the railway minister Ashwini ki the person responsible will be caught for this sabotage and we are going to fix a CBI inquiry ki kon hai iske piche because railway minister is clearly saying that it is not the fault of the robot is perfect and our technology is perfect, a human being has done this
तो इससे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा गाइस कि कौन ऐसा निर्दयी इंसान हो सकता है हु इज नॉट केयरिंग अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड वुड हैव डन दिस. और इज दिस अ पॉलिटिकल स्टंट लाइक जस्ट आई सेड इन डे बिफोर यस्टरडेज व्लॉग, इज दिस अ पॉलिटिकल स्टंट विच क्रिएटेड दिस. यही बात हमें जानना है. सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग गाइस, कि वॉट एग्जैक्टली हैपेंड एंड नाउ द सिचुएशन इज लाइक सीबीआई इज इंक्वायरिंग एंड दे आर गोना कैच द कल्प्रिट्स. तो इस बीच एक और दर्दनाक स्टोरी सामने आया, फादर और सन की स्टोरी, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा. सो इन दिस फादर एंड सन की स्टोरी, अ फादर हैड कॉल्ड हिज सन हू वाज इनटू दैट एक्सीडेंट टू जस्ट फाइंड आउट कि बेटा कैसा है. सो बेटा चार पांच रिंग के बाद फोन उठाता है और हिज वॉइस वॉज इन फीबल कंडीशन, इट वॉज शेकिंग एक्चुअली. सो दैट टाइम फादर फेल्ट वेरी मच टेंस्ड और वो वेस्ट बंगाल से ओडिशा, मतलब दूसरे स्टेट से एक स्टेट को वो एम्बुलेंस के साथ दौड़ के आते हैं, मतलब ही कम रशेस विद द एम्बुलेंस टू फाइंड हिज सन ऑन द एक्सीडेंट स्पॉट. तो जैसे ही फादर एक्सीडेंट स्पॉट पे जाते हैं, ही कुडंट फाइंड हिज सन्स बॉडी देयर. सो पीपल देयर सेड दैट ही माइट बी डेड आफ्टर टॉकिंग टू हिज फादर, वो शायद मर गया होगा और उसको बाजू वाले स्कूल में, मतलब उस रेलवे ट्रैक के पास ही एक स्कूल है उड़ीसा में, जहां दे आर यूजिंग दैट प्लेस टू कीप द डेड बॉडीज एज अ मोर्चुअरी. ओके, सो दैट प्लेस दे आर चेंज्ड इट टू मोर्चुअरी टू कीप द डेड पीपल्स देयर. तो फादर उधर जाते हैं और दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिज सन्स बॉडी इन दैट स्कूल, बट देयर इट वॉज अ लॉट ऑफ कमोशन ओवर वन प्लेस. क्यों? The commotion was because a boy was alive there and being alive, he was thrown along the dead bodies. Can you see this cruel thing, guys? मतलब ये जो नाइंसाफी हो रहा है आप देख ही सकते हो. कल मैंने कहा था आपसे कि थोड़े डेड बॉडीज को ऐसे ट्रक में फेंका जा रहा है केयरलेसली एज ए ट्रैश, उसको डंप किया जा रहा है कूड़े कचरे की तरह, और उसमें ये अभी सामने आ रही है कि एक जिंदा आदमी को, एक जिंदा लड़के को उन्होंने लाश के साथ फेंक दिया. और खुशकिस्मती से his father found him out and he was taken to hospital in ambulance and now his condition is sustained. Thank God for that. And really a brave deed that father did. So this is what is happening. So exactly my question is, what exactly is happening to humanity? And the second question is, now the government is saying it as a sabotage. So how exactly they are gonna bring it out? Kyunki यहां पे एक छोटा सा थियरी भी सपोर्ट करता है. जैसे कि गवर्नमेंट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन द ड्राइवर ऑफ कोरोमंडल एक्सप्रेस, द लोको पायलट ऑफ कोरोमंडल एक्सप्रेस हैज सर्वाइव्ड एंड ही हैज आल्सो क्लियरली स्टेटेड दैट ही कुड नॉट सी एनी ऑटोमेटिक सिग्नल चेंज व्हाइल गोइंग. ही कुड नॉट सी एनीथिंग और एनी डीरेलिंग. ही डिडंट गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज. So it might be a man-made thing only. So that's the reason he was going in a full speed. The locomotive driver is telling of Coromandel Express who survived with great difficulty. So abhi yehi question arise hota hai guys. So this is what the question is. Is it actually sabotaged or a crime activity or like a terrorist activity done here? Or it was an accident? जैसे कि वो पहले कह रहे थे वो एक एक्सीडेंट है, या अभी कह रहे हैं वैसे एक साबोटाज है, मतलब एक सोची साजी साजिश है. सो टाइम टू थिंक ऑन इट गाइस. सो दिस इज व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट ऑन दिस ट्रेन. सो आई विल बी बैक विद फर्दर अपडेट्स इफ इट इज देयर. सो टिल देन टाइम टू थिंक एंड इवन यू लीव कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक ऑन इट, इज इट रियली अ मैन मेड थिंग. सो अंटिल देन दिस इज योर निरंजन आयंगर एके गॉड्स डीमन. आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट पार्ट एज सून एज आई गेट अपडेट. टिल देन take care, cheer up, bye guys, and do leave your comments in my comment box and think closely on it. Take care guys.